तो दोस्तों ध्रुव राठी और अभी एंड निहू के बीच में कुछ टाइम से एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी जिसपे ध्रुव राठी ने एक रिप्लाई दिया है और अभी एंड निहू की तरफ से भी कुछ रिप्लाई दिए गए हैं। तो ध्रुव राठी ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो में अभी एंड निहू को रोस्ट कर दिया है। ध्रुव राठी कहते हैं कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड मोदी जी के कुछ खास लोगों को दिया जाता है जो मोदी जी का चरण वंदना करते हैं। आप खुद देखो, जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया। अब इस पे अभी एंड निहू की तरफ से भी एक वीडियो आई है जिसका आप पहले एक छोटा सा क्लिप देखो। चरण वंदना किसे कहते हैं? जब किसी के पैर छुए जाते हैं। जब भी मैं मेरी दादी से आशीर्वाद चाहता हूँ तब मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ। ये मेरे संस्कार। अवार्ड तो हमें दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी दिया है, क्या हमने उनकी भी चरण वंदना की थी? लेकिन नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के दिन जब हम मोदी जी से मिले तब मैंने उनकी चरण वंदना नहीं की। सो डियर ध्रुव राठी, अगर आपके पास ये चरण वंदना की एक्सक्लूसिव क्लिप है तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड। अभी एंड निहू के इस वीडियो के आने के बाद ध्रुव राठी एक स्टोरी पोस्ट करते हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर आपको समझना है कि यूट्यूबर्स मोदी का चरण वंदना कैसे करते हैं तो वो ये वाला वीडियो देखें। और जो लिंक उन्होंने शेयर किया वो ऑफिशियल पिंग ह्यूमन का एक वीडियो है। ये वीडियो अभी एंड निहू के अगेंस्ट में है जिसमें बताया गया है कि अभी एंड निहू जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है। मैं उसका एक क्लिप आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है लिकर पॉलिसी स्कैम केस में, वो ईडी के हिरासत में है। न्यूट्रल रहना यही सिखाता है कि सिर्फ उस अलेजेड स्कैम को स्कैम बोला जा सकता है जहां आरोप ऑपोजिशन पार्टी से ईडी या सीबीआई या भाजपा लगा। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? दी आंसर इज नो नो नो। सेकंडली, मैंने अभी और निहू से न्यूट्रल बनने की दूसरी निंजा टेक्निक सीखी और वो ये कहती है कि चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कैमी स्कीम कोई भी लाया हो, ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, पर न्यूट्रल दिखने के लिए इसकी जिम्मेदारी और इसका ब्लेम हर पॉलिटिकल पार्टी पे डालना जरूरी है। यानी अगर अज्यूम किया जाए कि ये सारे पैसे भ्रष्टाचार के पैसे हैं तो सारे पार्टी चोर हैं। एक पार्टी का दूसरे पार्टी को चोर कहना हिपोक्रेसी है। 1000 रुपए की चोरी और 6000 रुपए की चोरी में सिर्फ अमाउंट का फर्क है। तो ऑडियंस, आपके लिए भी ये सीखना बहुत जरूरी है कि कल को कोई आपसे पूछे कि एक लोकल ट्रेन के जेब कतरे में और विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे स्कैमस्टर्स में क्या फर्क है, तो आपको न्यूट्रल बनके यही कहना होगा कि इन दोनों टाइप के चोरों की चोरी में सिर्फ अमाउंट का फर्क। बाकी आप इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब नेक्स्ट अपडेट पे आ जाते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो अभी हाल ही में हुए कैरी मिनाटी और रजत दलाल के कंट्रोवर्सी के बारे में आपको तो पता ही होगा। और कल जब कैरी मिनाटी अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे जिसमें उनके साथ गरीब भी थे, तो गरीब ने जाने अनजाने में रजत का नाम ले लिया, जिसके बाद कैरी मिनाटी का क्या रिएक्शन था आप खुद देखिए। अच्छा, लो वॉइस या लो साउंड? मेरी आवाज क्या ओए रजत, क्या नाम इसका, रेज देख ले भाई। नहीं दे रहा, बॉट भी नहीं मिले भाई एक अभी तक, मैंने एक किल। गरीब अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे बिग बॉस सीजन 3 के बारे में जिसका टीजर आउट हो चुका है। और इसी के साथ एक रिपोर्ट आ रही है कि सलमान खान बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 को होस्ट नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि अनिल कपूर इसे होस्ट करेंगे। इसके लिए आपको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को एक लाइक। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको डेली अप टू डेट करता रहूंगा। इसके लिए आपको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को एक लाइक।